हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ एक ऐसे ट्रिप पर जहाँ का सुनकर आप शायद बिलीव ही ना करें कि मैं वहाँ ट्रिप के लिए इन समर्स ऑफ जून जाने वाली हूँ। हेयर आई ऑप्टेड टू ट्रैवल बाय ट्रेन और हमने सुबह में ली थी शताब्दी क्योंकि वंदे भारत अवेलेबल नहीं थी। वैसे तो ये एक वर्क ट्रिप थी जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया था एक सिबलिंग्स ट्रिप। एंड हियर्स द थ्री ऑफ अस फ्लॉन्टिंग आवर मॉर्निंग फेसेस। And guys, it is about to start. And also my microphone, I purchased it और वो ख़राब हो गया। So yeah, this will be the glitch in my trip. And yeah, journey got started. यहाँ पर ये जो ट्रेन थी, first time मैंने देखा कि शताब्दी पूरे 20 minutes late थी। बैठने के कुछ देर बाद ही हमें मिल जाती है हमारी चाय, वो एज़ यूजुअल गर्म पानी इन द कप और ये पाउच जिसमें कि वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो चाय बनाने के लिए चाहिए। टी बैग था, शुगर थी एंड वो पाउडर्ड मिल्क था। यहाँ मैंने सब कुछ ऐड ऑन कर दिया और अपनी चाय को कर लिया था तैयार। एंड एयर्स चाय पीने के बाद हम लोगों ने की बहुत सारी बातें और यहाँ बहुत सारी जो होती है ना वीडियोज़, ऐसा वो रनिंग रोड, उसको हमने बहुत ज़्यादा कैप्चर करा और फिर हम सो गए। So guys, here we are. We got up after 3 hours of sleep and our journey is coming to an end. And this is our condition. आपसे मिलती हूँ अब मैं पहुँचकर। और फिर यहाँ पहुँचने के बाद हमने कंप्लीट की फॉर्मेलिटीज़। यहाँ जाकर एक जो ग्लिच हो जाता है वो ये था कि मैंने बुक किया था फॉर 3 पीपल, लेकिन यहाँ जाके पता चला, पता नहीं कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कि सिर्फ 2 लोगों की बुकिंग थी। बट समहाउ यहाँ हमने बात करी, उन्होंने कहा आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, हमने कहा ठीक है और फिर उन्होंने हमें हमारा रूम अलॉट कर दिया। बट दिस टाइम दे डिडंट सेड कि हाँ ठीक है आप रूम देख लो, अगर पसंद आया तो लेना वरना आप दूसरा ले लेना। होटल और जो रूम है वो नमरा को समझ नहीं आ रहा है, सो शी सेड कि ठीक है लेट मी टॉक अबाउट इट रिसेप्शन पर। तो वो गई है बात करने के लिए कि हमको दूसरा रूम चाहिए, लेकिन जो रूम हमें पसंद आया है वो इट इज़ नॉट एम्प्टी और वो ऑक्यूपाइड है ना, और लेट्स सी क्या होता है। सो गाइस, हियर्स वी बॉट दिस चिकन तहरी और मुझे ऐसा लग रहा है कि अम्मी ने ये इतनी दे दी है कि शायद रात तक हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और आलू के पराठे। यस गाइस, वो अलग रखते हैं। एंड हियर गाइस, वी गॉट अप एट 7 शाम के, हमने मंगवाई चाय अपने पराठे के साथ बटर। एंड हियर इज दीज टू पीपल ऑफ माई लाइफ। आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे? पता नहीं कैसे लोग हैं ये, क्या हैं ये, मेरे समझ नहीं आते। कभी कभी लगता है, मतलब ऐसा लगता है मेरे ही भाई बहन है या नहीं। एंड गाइज, हेयर आई जस्ट टुक अ शावर और अब मैंने सोचा मैं वैसे कपड़े पहनूं लूज वाले, क्योंकि अभी अगर मैं डायरेक्ट वो वाले कपड़े पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। खैर, अब हम लोग जल्दी से खा पी के अपना ये इवनिंग स्नैक्स लेकर जाने वाले हैं जहाँ हमें जाना है, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर पर एक बहुत अच्छे कैफे। एंड गाइज, हेयर आई गॉट रेडी एज यू सी। बहुत मिनिमल सा लुक लिया है मैंने, लाइक ये कॉटन का कुर्ता, कॉटन ही है ना फिर गाइस, सॉरी ये कोई सा है नीलन या रेयन, मतलब लाइट वाला कपड़ा जो कि समर्स में पहना जाता है, और इसमें मैंने बहुत मिनिमल लुक लिया है, लाइक बहुत ज्यादा मेरा फोन लग रहा अच्छा है गाइस, बहुत महंगा फोन है नवरा। एंड गाइज, जिस काम से हम यहाँ पर आए हम वहाँ जाने वाले, उस काम का यहाँ पे कुछ नहीं मैं दिखाने वाली, क्योंकि मेरी भी यार अपना पर्सनल स्पेस है, सबको ऐसा लगता है मैं बहुत सोशल हूँ बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। और अब मैं वो काम करने के बाद रात में जाऊँगी एक बहुत अच्छी कैफे डिनर करने, वहाँ मैं आपसे मिलती हूँ, मतलब मैं वहीं मिलूँगी आपसे। बीच में अगर मैंने कुछ शॉपिंग करी वो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस, मेरी बहन मुझे बनाने नहीं देती, कुछ नहीं करने देती। एंड जस्ट लुक एट द मेस, नमरा यू नीड टू क्लीन इट ऑल। सो गाइज, वी आर बैक एट 10:30 और पता नहीं मेरे बहन भाई मेरे साथियों को क्या होता जा रहा है, इन्हें इतनी भूख लग रही है कहीं माशाल्लाह खाएं, बट ये लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं भी खाऊं और मेरा बिल्कुल मन नहीं है। एक्चुअल में जो मेरा मन है वो सिर्फ
वीडियोज़ में रहता है, व्लॉग्स में रहता है, मैं वो रिकॉर्ड करती हूँ, कहते हैं खाओ और मैं इतना पिस्ड ऑफ हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों. एंड गाइज लेट मी शो यू, वी आर हैविंग दिस चिकन तहरी. ओके गाइज विथ सम, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब वियर्ड कॉम्बिनेशन. एंड गाइज हियर्स अस, इट्स वन समथिंग, एक बच्चों का है. और क्योंकि जो होटल वाले हैं उन्होंने हमें ये रेडीमेड चाय का सामान दिया था, ये रही हमारी चाय हमने बनाई है. एंड हियर्स द मेस, चाय सही बनी है, मैंने टेस्ट करी, सो द होटल इज गुड. गाइज हियर्स नम्रा हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ. डाइटिंग पर हो आप, वेट लॉस जर्नी बैन बच कर बची. हाय हमजा, इस हालत में तो मत बनाओ हमारे लिए क्लोज. जितने आप एंटी सोशल लोग हैं ना, उतने आप लोग हमें देखते हो. सो गाइज यहाँ पर हम लोग अपनी वो रेडीमेड चाय पी चुके हैं, और चाय पीने के बाद थोड़ी सी रील शूट करी. अब हमने फिर उसके बाद कल की जो जो भी हमारे, नहीं नहीं वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, हम लोग कल कहाँ पर जा रहे हैं सब कुछ डिसाइड करा है. जो जो वीडियो शूट करनी है उसके हिसाब से हमने लोकेशन डिसाइड करी है. इंशाल्लाह ताला कल हम वहाँ जाएंगे. तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में. अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. बाय.